हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम प्रेरणा मिश्रा। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको NSMU का यूनिवर्सिटी टूर देने वाली हूँ। यहाँ की जो मेन बिल्डिंग है उसके जो अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं, कैंटीन, लेक्चर हॉल, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। जो बाहर है उसकी चीज़ें हैं, चाहे वो फ्रंट पार्क हो जाए, बैक यार्ड हो जाए, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और गाइज, यहाँ NSMU में बहुत सारे हॉस्पिटल्स एफिलिएटेड हैं इस यूनिवर्सिटी से, तो सारे हॉस्पिटल मेरे लिए शो करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी मैं आपको यहाँ की मेन बिल्डिंग दिखा रही हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। अभी मैं इस स्टॉप पे उतरी हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ काम था, इसलिए मुझे यहाँ उतरना पड़ा। और ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये पूरी मेरी यूनिवर्सिटी है, NSMU की पूरी बिल्डिंग है यहाँ पे। तो अभी तो मैं इधर उतरी थी ऑफकोर्स क्योंकि मुझे काम था यहाँ पे, और आप देख सकते हो पीछे पूरा एरिया ये बंद है। तो मैं इधर से जाके तो आपको नहीं दिखा सकती अपनी यूनिवर्सिटी, मुझे यहाँ से रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का एरिया कैसा है। यूनिवर्सिटी पूरा कैंपस में आपको दिखाती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है। तो गाइस, आप ये देख रहे हो पूरा पानी पानी हो गया है, कीचड़ कीचड़ जैसा। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आप देख ही रहे हो कि धूप कितनी ज़्यादा निकली हुई है, तो उसके कारण पूरे ये बर्फ़ अभी पिघल रहे हैं यहाँ पे। बट हम बस होप कर रहे हैं कि जल्दी से ये बर्फ़ ख़त्म हो और थोड़ा एटलीस्ट जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल हो गया है, थोड़ा सा वैसा हो जाए जल्दी, क्योंकि बर्फ़ में चलना भी बहुत बड़ा काम है। गाइस, ये देखो यहाँ के रास्ते कितने चौड़े चौड़े हैं, और वो देख रही हो आप, वो है हमारी बिल्डिंग। अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी, और वो रास्ता पूरा ये बंद है यहाँ पे, इसलिए अभी हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे पूरा ऐसी ये बर्फ को एक साइड डाल डाल के तो रख दिया है, लेकिन वही वो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया क्योंकि अभी पिघल रही है और पूरा डस्ट वस्ट छोड़ के इस पे जम रहा है, तो ऐसा दिखने लग गया है अब पूरा बर्फ यहाँ पे। गाइस, आप देख सकते हो मैं वहाँ उतरी थी, यहाँ से अभी मैं क्रॉस करके इस एरिया में आई हूँ, और वो देखो वो मेरी पूरी यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये पूरी यूनिवर्सिटी है मेरी। और ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये एक पार्क है पूरा, और यहाँ पर भी हम बहुत बार आते हैं। जैसे देखो यहाँ पर सीट्स वगैरह भी है, तो यहाँ पर आप मस्त अपना बैठ के टाइम भी पास कर सकते हो, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है यहाँ पर भी, तो आप यहाँ भी आ सकते हो। और ये है यहाँ की सेंटर बिल्डिंग, जो कि सबसे बड़ी बिल्डिंग है यहाँ की, जो कि सेंटर में है और हरी जगह से दिखती है। अभी गाइस, आप देख लो विंटर में ये जगह पूरी ऐसी दिखती है, जब समर्स आएंगे तो मैं आपको ये जगह फिर से दिखाऊंगी, और फिर आप कंपेयर करके मुझे बताना कि कौन सी जगह आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब विंटर्स में ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये जगह या फिर समर्स में आपको अच्छी लगी। ये देखो यहाँ पे एक्चुअली पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके अंदर एक
वुडन का वो था, मतलब चलने का ट्रैक था यहाँ पे। तो आई थिंक ये उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना कि जब वुडन खराब हो जाती है यहाँ पे स्नो में हम चलते हैं, फिर पूरी गीली गीली होती है, उसके कारण पूरा खराब हो जाता है वुड। तो उसी को ये रिपेयर कर रहा है अभी। तो इसलिए इन्होंने देखो पूरा एरिया ये ब्लॉक करके रखा है अभी। तो जिसको भी चलना है, वो कुछ लोग जा रहे हैं उधर से, बट क्यों रिस्क ले, बेटर है इधर से चले जाओ दूसरे साइड से। और मैं अब आपको अपनी यूनिवर्सिटी ही दिखाती हूँ। तो गाइस ये भी एक बहुत प्यारी सी बिल्डिंग है, आई थिंक ये कोई ऑफिशियल बिल्डिंग है। बहुत सुंदर दिखती है ये बिल्डिंग भी, रात को तो बहुत ही प्यारी लगती है। एंड यूनिवर्सिटी भी देखो सामने है। ये जो पूरी आपको बिल्डिंग दिख रही है ना यहाँ पे, ये जो पूरी बिल्डिंग है वो एंड तक, ये पूरी इधर से इधर तक, ये पूरी हमारी यूनिवर्सिटी है। मैं आपको अच्छे से पास से दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है, कहाँ एंट्रेंस है, सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। तो गाइस ये जो एंट्रेंस आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये जो है ये यूनिवर्सिटी के पॉलीक्लिनिक का एंट्रेंस है। तो अगर हमें कोई मेडिकल चेकअप वगैरह कराना होता तो हम यहाँ से एंट्री लेते हैं यूनिवर्सिटी के, यहाँ से हम जाके ये जो एंट्रेंस है यहाँ से जाके हम देख सकते हैं, मतलब जो भी डॉक्टर्स वगैरह को हमको दिखाना है हम यहाँ से दिखा सकते हैं। वैसे तो यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस दूसरे साइड से हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगी, बट अगर आपको सिर्फ पॉलीक्लिनिक जाना है तो आप बैठे यहीं से एंट्री ले सकते हो, आपको उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर से घूम के, आप डायरेक्टली बाहर से ही जा सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी बड़ी है ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, पूरी उतनी तक, वो वहां तक पूरी ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। और वो जो एंड तक दिख रहा है वो भी पूरी यूनिवर्सिटी ही है, और ये सिर्फ बाहर से है। अभी अंदर ही इसमें दो तीन और बिल्डिंग है जो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, तो कनेक्शंस हैं बिल्डिंग में भी। अब चलो मैं आपको यूनिवर्सिटी का फ्रंट दिखाती हूँ। एंड गाइस सच बताऊँ मुझे ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये मुझे पूरी लाइक यूएसए वाले जो, और या फिर बोलना चाहिए यूरोप में जैसे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वैसा पूरा लुक देती है। देखो जैसे मैं आपको अभी इसका फ्रंट दिखाने वाली हूँ, फिर आप बताना मुझे कि ये कैसी लग रही है आपको। तो गाइज़ ये आप देख रहे हो, ये है यूनिवर्सिटी का फ्रंट, आप देख भी सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी का नाम इन रशियन ऑफ कोर्स। सो ये है यूनिवर्सिटी का फ्रंट। तो गाइज़ ये है पॉलीक्लिनिक का गेट, मैं आपको उस साइड ले जाके दिखाती हूँ यूनिवर्सिटी के। मैं आपको बैकयार्ड भी दिखाऊंगी यूनिवर्सिटी का कि वहाँ क्या क्या है। अभी तो मैं पहले आपको पूरी यूनिवर्सिटी दिखा देती हूँ बाहर से। तो गाइज़ ये एंट्रेंस जो आप देख रहे हो ना, ये एंट्रेंस डायरेक्ट कैंटीन में खुलता है। एक्चुअली कैंटीन के बगल में एक कैफ़े है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में हमने दिखाए हैं, तो ये वो कैफ़े में खुलता है और आप इससे अंदर जाके कैंटीन में भी एंट्री कर सकते हो। लेकिन ये तब आप यूज़ करते हो जब आपको कैंटीन वगैरह में घुसना होता है या फिर कैफ़े में घुसना होता है तब। अगर आपको यूनिवर्सिटी से के लिए एंट्रेंस लेनी है तो आप यहाँ से नहीं, सामने से लेते हो, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊँगी। और ये एरिया अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, मैं इसी एंट्रेंस से निकली थी। तो वो वीडियो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि कौन सा वीडियो था वो, और अगर आपको याद हो तो आप खुद मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा वो वीडियो था जिसमें मैं इस साइड से निकली हूँ।
सो देखते हैं कि आप मेरा वीडियो कितना अच्छे से देखते हो। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि किसको याद है कि मैं कौन से वीडियो में इधर साइड से निकल रही थी। अभी ये गाइस पूरा यूनिवर्सिटी का फ्रंट वाला एरिया है। ऐसे देखने पर लगता है कितनी ऊंची है कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग। यहाँ पे गाइस बहुत लोग फोटो खिंचाते हैं अपना, मोस्टली जब ग्रेजुएशन पार्टी वगैरह होती है तो यहाँ पे बहुत सारे फोटो शूट्स होते हैं। अब अगले साल तो मैं खुद ही ग्रेजुएट होने वाली हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी ये फिर जगह। हम क्या करते हैं ग्रेजुएशन में, देखते हैं अब क्या पहनते क्या करते, लेट्स सी। तो गाइस ये जो है ना ये वो बस स्टॉप है जहाँ पे मैं उतर सकती थी, जो कि यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से। ये देखो ये यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस है। यहाँ आपको दिख रहा है बैरिगेट्स, ये यहाँ पे ये सारे बैरिगेट्स है। यहाँ पे हमको एक कार्ड दिया जाता है यूनिवर्सिटी कार्ड, उसको टैप करने के बाद ही हम एंट्री ले सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे एंट्री लेना है क्या है। और ये जो है सामने में ये यहाँ पे है बस स्टॉप, जो एकदम मेन सामने उतारता है यूनिवर्सिटी के। और आप देख सकते हो जस्ट फ्यू स्टेप्स हैं आप यूनिवर्सिटी में एंट्री कर सकते हो, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बट मुझे तो कुछ काम था इससे मैं उधर उतरी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जिधर से हम एंट्री लेते हैं वो जगह कैसी दिखती है यूनिवर्सिटी की। देखो लोग फोटो वोटो खींचते रहते हैं यहाँ पे, और देख सकते हो आदमी फोटो खींच रहा है यहाँ। और ये भी एक बिल्डिंग है अच्छी सुंदर सी, ये एक्चुअली थिएटर है एक। अगर आप थोड़ी सी भी रचना भी जानते हो तो यहाँ लिखा है किनो थिएटर मीर, तो ये मीर थिएटर है यहाँ पे। एंड ये बैकयार्ड है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी यूनिवर्सिटी का बैकयार्ड। और ये है गाइस हमारी यूनिवर्सिटी का फ्रंट जहाँ से हम एंट्री लेते हैं। फ्रंट एक्चुअली वो था मेन, लेकिन ये एंट्री फ्रंट है जहाँ से हम एंट्री लेते हैं। वो आपको दिख रहा होगा बैरिगेट्स वगैरह भी है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो गाइस चलो अब मैं आपको बैकयार्ड दिखाती हूँ यूनिवर्सिटी का, और क्या क्या है अभी पीछे यूनिवर्सिटी के मैं वो भी दिखाऊंगी आपको कि क्या है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पीछे में, क्या मिल रहा है आपको, कुछ है भी कि नहीं है, सारी चीज़ें आपको दिखेंगे अभी। रुको रशिया में गाइस एक चीज़ बहुत दिक्कत है, ये जो हार्ड आइस है ना ये बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि फिर इसमें हम जब चलते हैं तो गिरने के जो चांसेस होते हैं ना वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। देखो कितना सारा है यहाँ पे, अभी इसी में हमें चलना होता है, और अगर फिसले और गिरे तो फिर तो बहुत तेज चोट आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो ये एक एक्चुअली पूरा पार्क एरिया है, और देखो कितना सुंदर लग रहा है ये विंटर्स में, इतना सुंदर लग रहा है। आप सोचो जब समर्स आएंगे तो ये कितने सुंदर लगेंगे, तब तो ये जो अभी बचे खुचे ट्रीज हैं जो कि मुरझाए हुए, मतलब ऑफ कोर्स पूरे झड़े हुए हैं, ये सब भी ग्रीन हो जाएंगे अच्छे से, तब ये कितने सुंदर लगेंगे सोचो फिर। और ये गाइस यहाँ पे ये सारे जो है ना ये वाला फिर वो, ये सारे कैफेज हैं यहाँ पे। तो इनके साथ यूनिवर्सिटी में गए फिर आपको बाहर कोई कैफ़े वगैरह में भी जाना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप किसी भी कैफ़े में जाके बैठ सकते हो। ये हो गया उधर साइड भी, ये सारे जो है ना ये सारे कैफ़ेज़ हैं। और ये एक छोटा सा पार्क है, यहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हो, चाहो तो वॉक वगैरह भी कर सकते हो इस एरिया में। एंड आप देख सकते हो नीचे तो पूरी हार्ड आइस है, तो इसे मैं धीरे धीरे चल रही हूँ यहाँ पे। देखो ये पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं सारे। ये देखो ये है वो कैफे जहाँ पे मैं बहुत बार गई हूँ, ये कैफे, ये बहुत सुंदर और अच्छा कैफे है। और कैफे है जो बहुत छोटा सा प्यारा सा है, और मैं वहाँ गई थी और मैंने वहाँ भी एक वीडियो बनाया, जो कि आप मुझे बताना कि कौन सा वीडियो था, वो
वो देखो, वो जो कैफे दिख रहा है ना, ये छोटा वाला, ये वाले कैफे में गई थी मैं, और ये बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा कैफे है। मैं इसे पास जाके दिखाऊंगी आपको वो एरिया। और ये है मेन ब्यूटी यहाँ की, ये जो आप देख रहे हो ना गाइस, वाइट वाइट, ये पूरा रिवर है जो कि अभी पूरी जमी हुई है। एंड यहाँ पे देखो अभी तो हॉर्स राइड वगैरह भी क्या क्या हो रहा है, सब बच्चे खेल मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे लोगों के लिए स्प्रिंग आ गया है, तो अब वो एंजॉय कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा माहौल है यहाँ अभी। तो ये एरिया बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा एरिया है, आप यहाँ पे आके बहुत एंजॉय कर सकते हो। कुछ भी गेम वेम यहाँ होते रहते हैं, तो आप वो सब भी खेल सकते हो यहाँ पे। और मैं आपको रिवर के पास अभी ले जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या कर सकते हो आप। और ये जो है, ये मेन है, ये है इटर्नल फ्लेम। एक्चुअली ये जो फ्लेम आप देख रहे हो ना, ये एक मेमोरियल जैसा भी है, जो कि ये फ्लेम हमेशा जलती रहती है। यहाँ पे लोग आके फ्लावर्स वगैरह भी चढ़ा चढ़ा के जाते हैं। एंड ये बहुत प्यारी एरिया है, ये भी बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आके आप बैठो, टाइम स्पेंड करो, बहुत प्यारी लगती है ये जगह। और ये सारे तो मैंने आपको दिखाई ही है, यहाँ पे सारे पूरे कैफेज वगैरह ही है, उधर साइड भी पूरे कैफेज हैं ये। एंड सोचो अभी ये जगह थोड़ी आपको हो सकता है लग रही हो कि हाँ खाली खाली अजीब सी, लेकिन जब समझ आएंगे, देखो ये सारे पेड़ जो है ना पूरे ग्रीन हो जाएंगे, यहाँ यहाँ पूरे ग्रीन हो जाएंगे, तो पूरा ग्रीनरी रहेगा यहाँ पे, और फिर आपको ये जगह बहुत सुंदर लगेगी। देखो वो बच्चे वहाँ पे हॉकी वगैरह भी खेल रहे हैं, यहाँ पे ये स्कूटर राइड्स वगैरह हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पे करने के लिए। और समर्स जब आते हैं तब तो यहाँ पे और सारी चीज़ें बढ़ जाती है करने के लिए, और बहुत ही सुंदर हो जाती है ये जगह। देखो इस बच्चे को वो देखो, वो फुटबॉल खेल रहा है। चलो अब मैं आपका रिवर साइड लेके जाती हूँ, जो कि एब्सोल्युटली फ्रोजन है, पूरी की पूरी फ्रोजन है। और वो देखो, वो जो आपको दिख रहा होगा, ये एक चर्च है यहाँ पे, तो आप चर्च भी जा सकते हो आप चाहो तो। हालांकि मैं अभी चर्च नहीं जाऊंगी, मैं आपको रिवर दिखाऊंगी, यहाँ रिवर में क्या है, क्या क्या आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ। देखो बैठने वगैरह के भी एरिया है, आप बैठ भी सकते हो यहाँ पे। और सिर्फ समर्स में ही नहीं, आप विंटर्स में भी, जैसे अभी बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं, आप यहाँ आके एंजॉय कर सकते हो, बैठ सकते हो। अभी तो ये इतनी भीड़ है यहाँ पे, यूजुअली आप थोड़ा आगे साइड जाओगे ना, तो उधर साइड खाली रहता है आगे साइड पे, तो आपको अगर अकेले बैठना हो तो आप वो भी कर सकते हो। और आप देखो ये रिवर फ्रोजन है, ठीक है, और इसमें देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, कोई कुछ चला रहे हैं, तो बहुत सुंदर माहौल है ये तो, ये बहुत इंजॉयमेंट, मेरे को तो देख के मजा आ रहा है। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है ये चीजें देख के। ये सब जो है ना, ये अपने घर से लाते हैं यहाँ पे, एंड फिर बस मजे लेते हैं राइड्स के यहाँ पे। ये देखो इन्होंने एक्चुअली एक मार्किंग बना के रखी है, ये आप इधर देख सकते हो, ये मार्किंग इन्होंने एक्चुअली बना के रखी है कि आप उतने एरिया तक जा सकते हो। ये देखो अच्छा स्केट कर रहे हैं यहाँ पे, हम मुझसे तो नहीं होता। और यहाँ पे कॉफी वगैरह पीने के लिए भी स्टॉल्स वगैरह इन्होंने लगा दिए, पहले नहीं थी ये चीजें, अभी यहाँ पे थोड़ी स्प्रिंग आना शुरू हो गई है, इसलिए ये सारी चीजें ज्यादा बढ़ गई है। पहले थोड़ा खाली खाली सा था, बट अब ज्यादा हो गया। एंड अब बहुत एंजॉयमेंट हो रही है यहाँ, हम देख सकते हो सब एंजॉय कर रहे हैं। पापा को पापा पापा चिल्ला रहे हैं, गाइस दर्शन में भी पापा को पापा ही बोलते हैं।
रिवर है जिस पे हम चल रहे हैं अभी, और पूरी की पूरी जमी हुई है यहाँ रिवर की, और हवा भी चलती है वैसे तो, लेकिन बहुत मजा आता है। देखो 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 डॉगी भी कितने खुश है, खेल रहे हैं मस्त। देखो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी कर रहे हैं लोग यहाँ पे मस्त। एक्चुअली मैं तो कहूँगी ये पैराग्लाइडिंग नहीं है, ये बस ये पैराशूट लेके और स्केटिंग ही कर रहे हैं काइंड ऑफ, बट ठीक है जो भी है।